हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, वो है ट्रीज। ट्रीज यूज होते हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में कहाँ यूज होंगे? कंप्यूटर साइंस में आपको क्या होता है कि कुछ आइटम्स, आपको नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं, उसमें से हमें कुछ आइटम्स को लोकेट करना होता है कि कौन से आइटम कहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। तो उस आइटम को लोकेट करने के लिए हम ट्रीज को यूज करते हैं। एंड सेकेंड चीज है, जैसे कि हमें किसी डाटा को स्टोर करना है या डाटा ट्रांसमिट करना है, वहां पर भी ट्रीज यूज होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रीज चैप्टर को। व्हाट इज ए ट्री? ग्राफ जी इज कॉल्ड ए ट्री। एक ग्राफ जी ट्री कब बोला जाता है? जब जी कनेक्टेड हो और जी में कोई भी साइकिल्स ना हो, उसको हम बोलेंगे एक ट्री। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, ये भी ग्राफ है और ये भी ग्राफ है। ग्राफ सभी है लेकिन कंडीशंस अलग अलग है इसमें। अब इन ग्राफ्स को हम ट्रीज बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं इनको ट्रीज? क्योंकि इसमें पहली बात तो कनेक्टेड ग्राफ्स है, सभी कनेक्टेड है, और दूसरी बात इसमें कोई साइकिल्स नहीं है, साइकिल्स भी नहीं है इसके अंदर, तो इस कारण से ये सभी ट्रीज है। लेकिन जो ये वाले ग्राफ्स हैं, ये ट्रीज नहीं है। ये ट्रीज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक साइकिल आ रहा है, एक साइकिल आ गया इसके अंदर बी सी डी नाम का, और इसमें क्या है कि एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से डिसकनेक्टेड है, जिस कारण से हमारी कंडीशन ये फॉल्स प्रूव हो जाती है। नाउ जब हम ट्रीज को डिस्कस कर रहे होंगे तो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी, हम उस टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले है नोड और वर्टेक्स। नोड और वर्टेक्स क्या होते हैं? आपको नोड के बारे में पहले से ही पता होगा, वर्टेक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। वर्टेक्स क्या होते हैं? हमने ग्राफ्स में पढ़े हुए हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं? कोई पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोड्स और वर्टेक्स के ए बी सी डी ई और एफ, इन्हीं को हम नोड बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं। सिमिलरली एज और लिंक। एज भी आपने पहले से पढ़े हुए हैं, दो वर्टेक्सिस को जो लाइन ज्वाइन करती थी उसको हम एज बोलते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी एज और लिंक एक ही बात है कि एक नोड को जब कोई दूसरी नोड कनेक्ट करती है उस लाइन को हम बोलते हैं एज या फिर लिंक, ठीक है। नेक्स्ट है रूट। रूट क्या होती है? जिसमें इन डिग्री जीरो हो। अब आपको ऐसी नोड्स ढूंढनी है जिसमें इन डिग्री जीरो हो। अब अगर आपको इन डिग्री याद हो, उसमें क्या था कि अगर मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वहां से कुछ लाइंस जा रही हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस बनाई और इसमें से दो लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं और दो लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। जब दो लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, उनको हम बोलते हैं इन डिग्री, कि इस पॉइंट पर इन डिग्री जीरो दो है, टू इन डिग्री है, और यहाँ पर आउट डिग्री कितनी है? टू। सिमिलरली यहाँ पर चेक करो, इनमें से कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर इन डिग्री जीरो? सिर्फ ए पॉइंट ऐसा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे रूट। बहुत ध्यान से देखना है कि रूट किसको बोलते हैं। रूट होता है जहाँ पर इन डिग्री, जिस पॉइंट पर आपको इन डिग्री जीरो मिले, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब पाथ क्या होता है? पाथ होता है कि किसी नोड से, अगर हम किसी नोड पर जा रहे हैं, ठीक है, वहां से वहां तक का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं, आप किस पाथ से जा रहे हो, बस आपको वही बताना है किस रास्ते से आप जा रहे हो। सपोज कि आपने ए से बी तक आना है, तो ए से बी तक आप कैसे आओगे? ए से बी, उसके बाद डी आओगे, इसी को हम पाथ बोलते हैं। नाउ लेवल। लेवल क्या है? लेवल एक ऐसी इंटीजर वैल्यू होती है जो हमें डिस्टेंस निकाल के देती है किसी नोड का रूट से। किसी नोड का रूट से अगर कोई इंटीजर वैल्यू में वैल्यू निकाल के दे, उसको हम बोलते हैं लेवल्स। जो रूट का लेवल होता है इसको हम बोलते हैं रूट, ठीक है, ये रूट होती है। रूट का लेवल होता है जीरो, और जो बी और सी का लेवल होगा ये वन होगा, डी ई और एफ का जो लेवल होगा वो टू होगा। नाउ नेक्स्ट है हाइट। हाइट क्या होती है? सपोज कि हम हाइट कैसे नापते हैं, जैसे हमारे पास कोई ग्राउंड लेवल है, अगर मान लो ये ग्राउंड है, तो हम इससे हाइट कैसे नापते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग कितनी ऊंचाई पर है, उसको हम हाइट मानते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो लीफ है, इसको ध्यान रखना, जो ये वाला पार्ट होता है ना, लीफ होती है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लीफ बोलते हैं। लीव्स होती हैं अलग अलग, ठीक है, एक को हम लीफ बोलेंगे, बाकी सभी को हम मिलाकर हम बोलते हैं लीव्स। तो लीव से लेकर जो हाईएस्ट पॉइंट है, लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है रूट तक का, उसको हम बोलते हैं हाइट, ठीक है। यहाँ से लेकर रूट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे हाइट, ये हाइट होती है। उसके बाद आइए डेप्थ। डेप्थ क्या चीज़ है? डेप्थ क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारे पास कोई वाटर लेवल है, कि जो वाटर का लेवल है यहाँ पर है। अब वाटर के लेवल के नीचे क्या शुरू हो जाता है? डेप्थ शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे कि रूट से स्टार्ट करके जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हम इसकी देखेंगे डेप्थ, यानी कि जो ए की डेप्थ होगी जीरो होगी, यानी कि ए तो भी सरफेस पर रही है, उसका कुछ डेप्थ ही नहीं है आया, तो ए क्या हो गया? जीरो। अगर मुझे बी और सी की डेप्थ देखनी है तो वो वन मानी जाएगी, डी ई और एफ की डेप्थ देखनी है तो वो टू मानी जाएगी, ठीक है, जीरो वन टू। अगर हम हाइट चेक कर रहे हैं तो हाइट ये जीरो पर होगी, ये वन पर होगी और ये टू पर होगी। नेक्स्ट है रूटेड ट्री। रूटेड ट्री क्या होता है? एक डायरेक्टेड ट्री ही होता है जिसमें एक आपको एक यूनिक वर्टेक्स मिलेगा। यूनिक वर्टेक्स यानी कि रूट की ही बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा यूनिक वर्टेक्स है जिसमें इन डिग्री वन होगी, इन डिग्री सॉरी इसकी जीरो होगी। जो हमारे पास रूट होती है उसकी इन डिग्री जीरो होती है,
लेकिन जो बाकी के नोड्स है उनकी इन डिग्री वन होगी। ठीक है, जैसे कि इसमें ए है, एक रूट होती है, इसकी इन डिग्री जीरो है और बाकियों की इन डिग्री वन है। चाहे आप बी को चेक कर लो, बी की इन डिग्री क्या है, वन है। ए की डी की इन डिग्री क्या है, वन है। ई की भी वन है और एफ की भी वन है। इसको बोलते हैं रूटेड ट्री। उसके बाद पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, पेरेंट पेरेंट यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर है वो एक पेरेंट है, उसके ऑफस्प्रिंग क्या है, बी एंड सी। फर्दर आगे बी एक पेरेंट की तरह काम करेगा इन दोनों के लिए, तो ये ऑफस्प्रिंग हो जाते हैं। ठीक है, फर्दर एफ ऑफस्प्रिंग होगा सी का, यहाँ पर सी एज ए पेरेंट काम करेगा। तो एक ऐसी जनरेशन चल रही है, ठीक है, आप इसको एक फैमिली जनरेशन की तरह देख सकते हो कि जहाँ पर ये एक ग्रैंड पेरेंट्स की तरह काम करेंगे और ये पेरेंट्स होंगे, ये फर्दर आगे चाइल्ड होगा। ठीक है, चिल्ड्रन होंगे, तो चिल्ड्रन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आप इसको ऐसे लेकर चल सकते हो। उसके बाद है लीफ। लीफ क्या होती है, ऐसे नोड्स जिसके फर्दर आगे कोई ऑफस्प्रिंग ना हो, यानी कि ऐसे नोड्स जिसके फर्दर आगे कोई चाइल्ड ना हो, कोई चिल्ड्रन ना हो, उनको हम बोलते हैं लीफ। यानी कि वहां पर जाकर आपका ग्राफ बिल्कुल एंड हो जाएगा। टर्मिनोलॉजीज है सिबलिंग्स, इंटीरियर नोड्स, एंसेस्टर, डिसेंडेंट। ये जो आप अभी टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हो ना, ये एक फैमिली ट्री की तरह चल रहा है। जैसे फैमिली में ट्री होता है ना, एंसेस्टर्स होते हैं, डिसेंडेंट्स होते हैं, सेम वैसे ही है इसके अंदर। अब सिबलिंग्स क्या होते हैं, जैसे हमारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं उनको हम सिबलिंग्स बोलते हैं। डी और ई सिबलिंग्स हो गए आपस में, तो ये ऐसे ब्रदर सिस्टर काम कर रहे होंगे तो इनको बोलते हैं हम सिबलिंग्स। उसके बाद इंटीरियर नोड्स क्या होती है, इंटीरियर नोड्स ऐसी होती है जिनके ऊपर भी कोई एंसेस्टर हो, ठीक है, जिनके ऊपर भी कोई नोड हो और नीचे की तरफ भी कोई नोड हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंटीरियर इंटीरियर नोड। जिसमें एक चीज और है इसमें, अब जैसे हमारे पास इंटीरियर नोड्स हैं ऐसे होते हैं इसमें जिसका एटलीस्ट एक चाइल्ड हो, ठीक है। जो प्रॉपर डेफिनेशन है इंटीरियर नोड्स की वो है कि ऐसे नोड्स जिसका एटलीस्ट एक चाइल्ड तो हो, ठीक है, दो भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक चाइल्ड हो। नेक्स्ट है एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या होता है, जैसे मान लो मुझे कोई वर्टेक्स दिया गया है, सपोज हम डी की बात कर रहे हैं। अब डी के एंसेस्टर कौन कौन है, डी के ऐसे एंसेस्टर जो उससे बड़े हैं, ठीक है, बड़े हैं, लेकिन जो रूट है उसका कोई एंसेस्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट ही टॉप मोस्ट एंसेस्टर है, उसका कोई एंसेस्टर ऊपर नहीं होगा। तो इसलिए अगर मुझसे पूछा जाए कि डी के एंसेस्टर्स बताओ, तो डी के एंसेस्टर कौन होगा, बी एंड ए, ठीक है। सिमिलरली ई का एंसेस्टर कौन होगा, डी एंड ए। तो ऐसे हमने इसमें एंसेस्टर को डिफाइन करना है। फिर डिसेंडेंट्स आते हैं। डिसेंडेंट्स एंसेस्टर का ऑपोजिट है। जैसे कि मुझसे पूछा गया कि आप बताओ कि बी के डिसेंडेंट्स कौन है, बी के डिसेंडेंट्स कौन है, डी एंड ई, ठीक है, एंसेस्टर्स का ही ऑपोजिट है। लास्ट टर्मिनोलॉजी है सब ट्री। सब ट्री क्या होता है, जैसे मेरे पास एक मेन ट्री है, इसमें से मैंने कोई एक छोटा ट्री निकाल लिया, सपोज कि मैंने यहाँ पर ट्री निकाला बी, बी के जो डिसेंडेंट्स हैं डी और ई, तो इसको हम बोलते हैं सब ट्री। नेक्स्ट है बाइनरी ट्री। लेट टी इज ए ट्री, टी हमारे पास कोई ट्री है, वी से दैट टी इज एन ट्री और एन एरी ट्री, ठीक है। हम टी को एक एन ट्री बोल सकते हैं या फिर एन एरी ट्री बोल सकते हैं। If every vertex has at most n offsprings, अगर हर vertex के at most ज़्यादा से ज़्यादा n offsprings हो, तो जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया कोई एक a point है, इसको हम root बोल रहे हैं, और यहाँ पर इसके descendants बनाए b और c। यहाँ पर a as a ancestor काम कर रहा है और b और c as a descendant काम कर रहे हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर t is a entry, यहाँ पर एक tree को हम entry कब बोलेंगे, अगर हर vertex का at most n offspring हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसके और ऑफस्प्रिंग बना दिए। अब यहाँ पर हर वर्टेक्स को देखो, इस वर्टेक्स के कितने ऑफस्प्रिंग है, टू ऑफस्प्रिंग है, इस वर्टेक्स के कितने हैं, इसके भी टू ऑफस्प्रिंग है, इस वर्टेक्स के इसके भी टू ऑफस्प्रिंग है। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम बोलते हैं एन एरी ट्री, एन एरी ट्री, या फिर हम बोलेंगे एन ट्री। अब इसमें एन की जगह क्या आएगा, एन की जगह आएगा कितने ऑफस्प्रिंग्स है। जैसे हमारे पास यहाँ पर टू ऑफस्प्रिंग्स है, यहाँ पर भी टू ऑफस्प्रिंग्स है, यहाँ पर भी टू ऑफस्प्रिंग्स है, तो एन की जगह टू आ जाएगा, और टू वाले को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री। तो ऐसे ट्री जिसमें एन की वैल्यू टू हो उसको हम बोलेंगे बाइनरी ट्री, ठीक है। जिसमें तीन ऑफस्प्रिंग्स आने शुरू हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे थ्री एरी ट्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, थ्री एरी ट्री। अब थ्री एरी ट्री हम कैसे शो कर सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर ये एक रूट बनाया, इसके आगे तीन ऑफस्प्रिंग्स, ये इसके थ्री ऑफस्प्रिंग्स आगे, फर्दर आगे इन दोनों को कनेक्ट किया और आगे फर्दर तीन और बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस रूट के कितने ऑफस्प्रिंग है, तीन ऑफस्प्रिंग है, इस नोड के देख लो इसके भी तीन ऑफस्प्रिंग है, लेकिन इसको हम थ्री एरी ट्री तो बोलेंगे, लेकिन कंप्लीट थ्री एरी ट्री नहीं बोल सकते। कंप्लीट में क्या होता है कि हर नोड पे अगर हम कोई डिसेंडेंट्स बना रहे हैं तो वो बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर इस नोड के डिसेंडेंट्स देख लो कितने हैं, तीन ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पर डिसेंडेंट बोल दो या ऑफस्प्रिंग बोल दो, ठीक है। अब इस नोड के देख लो आप, यहाँ पर दो है लेकिन यहाँ पर तीन थे, सिमिलरली यहाँ पर तीन है,
अब तीन और तीन है लेकिन यहाँ पर दो है, इसलिए कंप्लीट थ्री एरी ट्री नहीं है, लेकिन थ्री एरी ट्री ये है, कंप्लीट नहीं है बस ये। अब आगे देख लो, सो बाइनरी ट्री इज दैट ट्री इन विच एवरी नोड कैन हैव 0, 1 और 2। अभी हम सिर्फ बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो बाइनरी ट्री में क्या होगा, अगर एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो ऑफस्प्रिंग हो, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, वन हो सकता है, जीरो हो सकता है, टू मैक्सिमम टू हो सकता है, ऐसे ट्री को हम बोलेंगे बाइनरी ट्री। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने बनाया, ये मैंने इसके दो पार्टीशन आगे और कर दिए और यहाँ पर मैंने एक कर दिए। अब इसमें देखो एटमोस्ट हमने क्या बोला था कि एटमोस्ट दो ऑफस्प्रिंग तो होने चाहिए, एटमोस्ट उससे कम भी हो सकते हैं। इस नोड पर देखो दो ऑफस्प्रिंग है लेकिन यहाँ पर एक ही है, लेकिन इस ट्री को हम बाइनरी ट्री बोल सकते हैं क्योंकि इस नोड का एटमोस्ट के अंदर यानी कि एक ऑफस्प्रिंग तो है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ था हमने। अब बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में फर्क क्या है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर हर नोड के दो ऑफस्प्रिंग तो होने ही चाहिए, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे कि जब हर वर्टेक्स के दो दो ऑफस्प्रिंग्स हो जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। इन एंट्री इफ एवरी वर्टेक्स, एंट्री यानी कि एन की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 2 के लिए हम इसको बाइनरी ट्री बोल देते हैं। इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ टी, टी के हर वर्टेक्स अदर देन लीव्स, लीव्स को छोड़कर, ये ध्यान रखना कि लीव्स को छोड़ देना हमें क्योंकि फर्दर आगे वो उनके ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे, अदर देन लीव्स हैज एग्जैक्टली एन ऑफस्प्रिंग। अगर एंट्री की बात करें तो एग्जैक्टली एन ऑफस्प्रिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली टू ऑफस्प्रिंग्स होने चाहिए, ना वन ना जीरो, एग्जैक्टली टू होने चाहिए। ये फर्क है इसके अंदर। बाइनरी में क्या था, कंडीशन थी कि एटमोस्ट उसमें जीरो और वन कवर हो जाता था, लेकिन इसमें जीरो और वन कवर नहीं होगा, इसमें अगर एंट्री ले रहे हो तो एन ऑफस्प्रिंग ही होने चाहिए। देन वी से दैट टी इज ए कंप्लीट एंट्री, फॉर एन इज इक्वल टू टू वी से दैट ट्री इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर एन टू है, जैसे कि ये वाला ग्राफ है एन टू के लिए, इसको हम बोल रहे हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये कंप्लीट है क्योंकि हर नोड के टू टू ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, और लेकिन लीव्स को छोड़कर, लीव्स के आगे ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।